अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप अपने फ़ोन की सेटिंग में एक ऐसा ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं जिसकी वजह से आप जब भी स्क्रीन पर टच करें तो आपको एक प्रीव्यू नज़र आएगा, जो कि यूज़र को ये बताएगा जो आपकी वीडियो देख रहा होगा, वो ये बताएगा कि उस बंदे ने कहाँ पर टच किया जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। मैं आपको ऑप्शन इनेबल करके बताता हूँ और आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने जाना अपने फ़ोन की सेटिंग्स में, तो सेटिंग में जाने के बाद आपने ढूंढना है डेवलपर ऑप्शंस। अगर आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शंस का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपने अबाउट फ़ोन में जाना है। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद आपने बिल्ड नंबर पर क्लिक करना है। बिल्ड नंबर आपने यहाँ से कहीं ढूंढना है, मुख्तलिफ डिवाइसेस में मुख्तलिफ जगहों पर होगा लेकिन अबाउट फ़ोन सेक्शन में मिलेगा। आपने बिल्ड नंबर पर 7 मरतबा क्लिक करना है। तो ये 7 दफ़ा क्लिक जब करेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा आएगा यू आर बिकम ए नाउ डिवेलपर या इस तरह कुछ लिखा हुआ आएगा। अब हम पीछे चलेंगे तो डिवेलपर ऑप्शन का ऑप्शन जो है वो इनेबल हो चुका होगा। तो आपने डिवेलपर ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ से आपने इनपुट को ढूंढना है। इनपुट जो आएगा नीचे, इनपुट के अंदर आपको ये शॉर्ट चीज़ ऑप्शन नज़र आएगा। ये जो शॉर्ट चीज़ का ऑप्शन है इसे आपने इनेबल कर लेना है। अब देखें, अब मैं आपको प्ले स्टोर पर टच करता हूँ, आप गौर से देखिएगा, आपको एक वाइट डॉट नज़र आएगा जो कि बताएगा कि मैंने कहाँ पर टच किया है। ये देखिए, ये मैं टच जहाँ जहाँ पे करता जा रहा हूँ वहाँ पे वाइट डॉट अपीयर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ। तो ये आपके लिए ट्यूटोरियल बना रहे हो अगर आप, तो तब भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। अगर आप किसी और चीज़ की शूटिंग कर रहे हैं, मोबाइल स्क्रीन पर गेम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये आपके लिए यूज़फुल साबित होगा। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिए। फिर मिलूँगा आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में और किसी और इंफॉर्मेटिव ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।